मतलब ये थाईलैंड का बेस्ट है या पूरे वर्ल्ड का बेस्ट? वर्ल्ड का बेस्ट है। वर्ल्ड का बेस्ट है। आपको मिलेंगे भूत ही भूत। प्लीज इसकी फोटो खींच दे बुड्ढे। ओ व्हाट्स योर नेम? भूत। वो एक्सीडेंट होके पेड़ पे लटका हुआ है देखो। वो एक गेट बंद। यार प्लीज दूर मत जाओ। किसी चीज को टच नहीं कर सकते ना? हाँ टच मत करियो। शार्क शार्क सिबू शार्क। ओ भाई इसमें किसी की आत्मा आत्मा तड़प रही है इसमें किसी की। तो हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। स्वागत है आप सबका फिर से आज के व्लॉग में। और ये रहा मैं और ये रही सिब्बू। और अभी हम दोनों ढूंढ रहे हैं अपनी स्कूटी, क्योंकि रात को वॉकिंग स्ट्रीट पे स्कूटी वगैरह अलाउड नहीं होती, तो हमने पता नहीं कहाँ खड़ी कर दी थी। तो अभी हम अपनी स्कूटी ढूंढने लग रहे हैं पैदल पैदल। देखो थाईलैंड में घूम रहे हैं हम यहाँ पे। और भाई व्यू तो एक नंबर आ रहा है। और सिब्बू का गेटअप देख रहे हो आज का? अच्छी लग रही है सिब्बू तो। थैंक यू। अब मत बोलियो, मैं तारीफ नहीं करता तेरी कभी। लेकिन कैसे सिखाया वैसे बोल। सिब्बू सबसे सुंदर लड़की है पूरी दुनिया की और बिल्कुल परी है, है ना? ऐसे ही है ना? हाँ, ऐसे ही है। तो चलो गाइस स्कूटी ढूंढ लेते हैं। यार कहाँ गई? गूगल मैप की लोकेशन तो डाल ली थी मैंने, पर मेरे को नहीं लग रहा ये वो वाली रोड है। देख वहाँ एंड में बंद था यार, जाम ने खड़ी करी थी। यहाँ तो बंद भी नहीं है। देखते हैं मैप तो लगा लो, मैप बंद करके मुझे देख लिया। मैप की जरूरत नहीं है ना, मैप तो यहाँ एंड कर रहा है। चलो गाइस स्कूटी ढूंढते हैं एक बार। तो ये है भाई थाईलैंड की गलियाँ और ये है सिब्बूगिरी सिब्बू गुड़िया और ये है सिब्बू गुड़िया। सेक्सी सेक्सी कपड़े हैं लेने तुझे? ले ले। ये भी है, पहनती नहीं तो क्या करेगी लेके फिर, है ना? ये क्या भाई? डिस्पेंसरी पटाया, ब्लैक हाउस, टैटू स्टूडियो। सिब्बू टैटू बनवा ले। बता किसके नाम का टैटू बनवाएगी? जरूरी नाम का बनवाऊं? बनवा ले, क्या होगा? इंस्टा। इंस्टा के नाम का टैटू? हाँ। क्यों भाई? इंस्टा मेरा बच्चा है। अच्छा। और ये हम आगे वॉकिंग स्ट्रीट पे, मेरे को इतना याद है हमारे राइट में इस तरफ वो था 7-11। जब मैं तुम्हें बोल रही थी रात में ले चलो, क्यों नहीं आए? थाईलैंड में भी सिब्बू का लड़ना चालू। ढूंढ रहे हैं ना सिब्बू, अभी मिल जाएगी। 7-11 इस तरफ होगा ना, यहाँ से देखते हैं, क्या पता लेफ्ट में खड़ी हो हमारी स्कूटी। मैं और सिब्बू आए हैं मैंगो शेक पीने के लिए। और हमने मैंगो, यहाँ पे दो आइटम मिलते हैं, वाटरमेलन 70 वाट, मैंगो 80 वाट। तो मैंने लिया है मैंगो। मैंगो लिया हमने विद नॉर्मल आइस। यस 80 वाट। थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। थाईलैंड से थाईलैंड। सादी दी माइका। सोनी मी माइका। सादी खा। सादी दी माइका। सादी दी माइका। मतलब हैप्पी न्यू ईयर इन थाईलैंड। अच्छा यू से क्या? सादी दी माइका यू। सोनी मी माइका। हाय। सो गाइस थाईलैंड बोलनी सीख लिया मैंने, थाई लैंग्वेज। थाईलैंड में एक बार बोलना दोबारा, क्या बोला? सोनी मी मे फे खाप। थैंक यू। बाय बाय। ये भाई फूड ट्रक। फूड ट्रक है क्या ये? नहीं भाई, ये है ड्रिंक ट्रक। दारू मिलती है। वाह सिब्बू, दारू के सामने तो ये पी रही है, क्या है ये? दारू है। दारू ऑरेंज जूस है इस कॉकटेल नाम भाई इस ट्रक का, वोल्सवैगन का। इधर बीच है भाई और अभी सनसेट हो रहा है तो एक नंबर व्यू आ रहा है। वाह भाई वाह, देख सकते हो नजारे गाइस। ऐसा लग रहा है वो वाई सिटी में नहीं होती बीच वाली रोड जिस पर गाड़ियां चलाते हैं हम गेम के अंदर, वैसी वाली सड़क, मस्त वाई वारी है। तो गाइस अभी मैं आया हूँ सैम भाई की दुकान पे। मैं जब भी थाईलैंड आता हूँ अंकल जी के पास आता हूँ, सारे काम बढ़िया करते हैं अंकल जी। कल भी हम आए थे, सारे सब कुछ है। मतलब थाईलैंड में कुछ भी एक्सप्लोर करना हो ना तो इनके पास आ जाओ। अभी आप हमारा कौन सा कर रहे हो? प्लीज बिलीव इट नॉट, जो आप एक्शन चैनल पे देखते हो इंडिया में। अच्छा। लाइव है और वर्ल्ड का बेस्ट अमेरिकन ने ये क्रिएट किया प्रोग्राम, हॉरर शो। हॉरर शो तो 7 प्रोग्राम आपको 2 घंटे में। मतलब ये थाईलैंड का बेस्ट है या पूरे वर्ल्ड का बेस्ट? वर्ल्ड का बेस्ट। वर्ल्ड का मजा आने वाले हैं फिर तो। गुड टाइम, बहुत मजा आएगा। कल भी आपने जो 2 शो बुक करे थे, मेरे लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बहुत अमेजिंग, सही था, बहुत जोरदार। हाँ हम आशा करते हैं कि आप अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, अपने कोलीग्स को आप भेजें। बिल्कुल। और वन रूफ टॉप सर्विस है, सब चीजें एक ही छत। मतलब थाईलैंड आ रहे हो ना तो कहीं मत जाओ, इनके पास आ जाओ। सारी सर्विसेज, जैसे कोई भी एक्टिविटी करनी हो, खाना, होटल, टैक्सी, फूड, मतलब सब कुछ। मस्त है अंकल जी का काम है। अंकल जी कब से काम कर रहा? 25 साल से ना? 30 साल हो गए। 30 साल से। ये दिखाना एक बार जो हम शो देखने वाले। उम्र ही आपकी 50 होगी।
1993 से कर रहे हैं हम लोग। तो मैं पैदा भी नहीं हुई थी। ये वाला शो देखने जा रहे हैं हम, रिप्लेस नाम से है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें होंगी, ये देख आगे भी पीछे भी बहुत सारा बहुत कुछ है। अंदर हाँ। अंदर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, लाइव पूरा यहाँ पे कर सकते हैं ना। हाँ कल वाले में कल वाले अडल्ट शो थे ना, वहाँ नहीं कर सकते, यहाँ कर सकते। तो गाइस हॉरर शो की टिकट्स ले लिए, ये रही और सामने है हॉरर शो। तो ये है भाई बिलीव इट और नॉट रिप्लेस वर्ल्ड का बेस्ट हॉरर शो, एक नंबर का भाई। अभी यहाँ पे हम जाके एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा तो ये देखो गाइज हम पहुँच ही गए हैं रिप्ले बिलीव इट और नॉट हॉन्टेड एडवेंचर, मतलब बेस्ट हॉरर शो पूरे वर्ल्ड का। तो अभी पूरा ऊपर यही है, दो घंटे का पूरा शो होगा और हम सब कुछ दिखाएंगे आपको, और आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा ऐसा जो आज हम आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि हमने खुद नहीं देखा, हम भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आप तो देखोगे गाइज। तो ये देखो भाई ये एंट्री है हॉरर शो की, ये हम चढ़ गए और यहाँ आपको मिलेंगे भूत ही भूत। रिप्लेस बिलीव इट और नॉट, बहुत भूतिया होने वाला है गाइज आज का। तो गाइज ये देखो भाई हमें दस्ताने दे दिए गए हैं और पैरों में ये डाल दिए गए हैं, इसे सिब्बू डाल रही है, और अंदर फोटो वीडियो नहीं बना सकते। तो इस वाले शो की जो ये यहाँ पे होने वाला है, इस वाले की अंदर फोटो वीडियो अलाउड नहीं है। इन्होंने बोला बाहर शूट करना जितना कर लो, अंदर नो फोटो नो वीडियो। तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अंदर क्या होने वाला है। हाँ सिब्बू डाल रही है भाई, नो टचिंग अलाउड। ओके अभी तो कर लूँ टचिंग, अंदर अलाउड नहीं है। कहाँ आ गई सिब्बू? ये देखो गाइस इन्फिनिटी रूम। ओए गेट बंद यार, प्लीज दूर मत जाओ, इधर चलो, इधर से रास्ता नहीं रहा। ये दबा गेट, कुछ तो है भाई। गाइस अभी रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, सिब्बू को लग रहा है डर। ओ ऐसा नहीं लगा एकदम से, यहाँ कौन आया? चल चलते हैं, इस तरफ ही चलना है। तो भाई वैसे तो फोटो वीडियो अलाउड नहीं है, पर फिर भी मैं बना रहा हूँ चुपके से। हम यहाँ एक भूल भुलैया में फंस चुके हैं, दरवाजे ढूंढ रहे हैं हम तो यार, यहाँ पे हम इस भूल भुलैया में फंस गए हैं भाई। और सिब्बू बिल्कुल मेरी चिपक चिपक के घूम रही, कह रही मेरे को बहुत डर लग रहा है। दरवाजा ढूंढ सिब्बू, कहाँ से एग्जिट है, कहीं से तो एग्जिट होगी यार। ऐसी भूल भुलैया भाई हम फंस गए यहाँ। ये रहा गेट शायद, हाँ ये रहा गेट, अब नई जगह आ गए। ओ ये देखो भाई लेजर हर जगह। अच्छा ये लेजर नहीं है, ये तार है। तो गाइस अभी हमने अंदर एक वो तो देख लिया है, जो है इन्फिनिटी मेज। ये रहा मेरे पीछे इन्फिनिटी मेज, तो ये वाला हम देख के आ गए हैं इन्फिनिटी मेज। हाँ बहुत सारी चीजें अभी तो, अभी हम इसके बाद जा रहे हैं मूवी थिएटर 9DX, कुछ अलग ही एक्सपीरियंस होगा गाइस। 3 मिनट बाद इसका शो स्टार्ट है, 6:37 हो गए, 6:40 का इसका शो है। और चलो इसके अंदर का भी दिखाएंगे आपको क्या सीन है। ये आया, हेलो। हाँ चेन सो लेके यही भाग रहा था लोगों के पीछे, हाँ बात भी नहीं कर रहा, अच्छे से कर रहा हेलो भाई। मूवी थिएटर में मूविंग थिएटर देख लिया ना इंडिया। अभी इस तरफ सिब्बू, अभी नेक्स्ट शो देखने चलते हैं। अरे देख लो भाई, अमेरिका का सबसे बड़ा रॉक स्टार था एल्विस प्रेसली, ये रहा। अभी ये देखो रचित, ये आपने ये मिस्टर बीन में देखा होगा, ये ऐसे करके बिल्कुल क्रॉस करना होता है, कहीं टच ना हो जाए, टच होते ही वो बच जाएगा। मैं भी करूंगी, बहुत मुश्किल है पूरा इसको क्रॉस करना। मैं एक बार करने तो दो, मैं ट्राई करता हूँ। चल भाई कर रहा है रचित, कर रहा है, कहीं टच होते ही बत्ती जल जाएगी। आ, 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 आ। मैं इसको कर सकता हूँ। अच्छा यहाँ ब्रेक ले सकते हो, ओ हो गया आउट, पकड़ो। अब एक बार तू ट्राई कर, एक बार सिर्फ ट्राई करेगी, क्या पता है कर पाए। मैं यहाँ तक आया था। ये देखो भाई सिब्बू को, ये देखा होगा ना आपने मिस्टर बीन में, ये वही है। देखते सिब्बू कितना जाएगी, कंसंट्रेशन देखते हैं तेरी कितनी है, मोड़ेगी कैसे है बात को। गई आउट, मेरे से पहले आउट। ये वर्ल्ड का रेयरेस्ट एग, अंडा, एक्सट्रीमली रेयर एलिफेंट बर्ड एग डिस्कवर्ड बाय एक्सप्लोरर नॉर्मन एल्डर ऑफ कनाडा। दिस एग इज एज बिग एज 183 नॉर्मल साइज चिकन, बिलीव इट और नॉट। ये अंडा है बहुत पुराना, हाथी का अंडा एलिफेंट बर्ड एग। इसमें से बच्चा निकला नहीं?
हाँ निकलेगा अभी, हैचिंग चल रही है उसकी। ये क्या है? अफ्रीकन स्पिरिट डांस मास्क। अच्छा, अफ्रीका में जो लोग नहीं होते वे डांस करते हैं, तो वो उसका मास्क है ये। हेलीकॉप्टर के अंदर चलेगी? मैं जा रही हूँ। जा। तो भाई हमारा प्लेन हो चुका है क्रैश और सिब्बू पड़ी है भाई, सारी सीट वीट हमारी भी खर गई है। हम जहाज में बैठे थे गाइस, फर्स्ट टाइम जहाज उड़ाने आए थे और क्रैश हो गया हमारा प्लेन, और क्रैश लैंडिंग है। चल तू निकल अब, चल यार फर्स्ट एड बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, चलो यार बहुत हो गया, मैं भी निकलता हूँ भाई। बाय बाय प्लेन, हम दूसरे प्लेन में आएंगे। वो एक्सीडेंट होके पेड़ पे लटका हुआ है, देखो आपका रचित प्लेन क्रैश करके ये देखो आ रहा है नीचे। चलो अब भाई अंदर चल रहे हैं। बस बस है, उसको कैसे बचाओगे? वो लटका पड़ा है, चलो 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 चलो। म्यूजियम है, म्यूजियम बहुत पुराने पुराने वो है, उसको क्या बोलते हैं, इनको मैग्नीफाइंग ग्लास। तो ये देखो गाइस, द मम्मी द एंशिएंट फराओ। ये देखो गाइस सिब्बू निकल रही है, साउंड इफेक्ट देखो घोड़े का। ऊपर है घोड़ा, प्लेन का वो गया जहाज, मक्खी का इरिटेटिंग। रुक जा इसका बजाते हैं बम ब्लास्ट का। ए भाई बम फटेगा अभी। अच्छा कहीं दूर फटा है। अरे वो छोड़ो, इसका सुनो, इसका कुत्ते का इंस्टा का। अरे 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 इंस्टा, अरे 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 मेंढक का सुनो, मेंढक का। चला चलते हैं। ये क्या है? ओ ये ज्वेल, ज्वेल फॉर टेकिंग। ओ अच्छा रुक जा, ये वो है सिर्फ, हाँ सिर्फ इमेज है, वो असली का हीरा नहीं है लेकिन लग रहा है ना सिर्फ। हाँ ये देखो गाइस अवशेष, ह्यूमन हेयर ज्वेलरी। और ये देखो भाई कोई मछली अवशेष, और ये दो मुंह वाला हिरन घोड़ा क्या है, काफ, अच्छा बछड़ा। ये भाई वो है उसकी, असली है ये, असली ठीक है। 1966 में ये की ईगल, ये मछली, ये असली है, असली है, ये अवशेष है उनके। ये देख ये अंडा, ओस्ट्रिच का अंडा। ये देख दो मुखी सांप, ये अंडे, नहीं नहीं नहीं, हेयर बॉल्स फाउंड इन द स्टोमक ऑफ काउज। लिखा तो ऐसा ही हुआ वहाँ, ये घोड़ा भी, ये फिश भी असली है, ये इनको स्टोर कर रखा है इनने अवशेष। तो गाइस ये मेरे पीछे है योर वेट ऑन द मून, इस पे मैं चढ़ूंगा तो चांद के ऊपर मेरा कितना वजन होगा वो पता लगेगा। तो चलो आओ, कितना आया? 16 किलो। चांद पे मैं 16 किलो का हूँ बस, पृथ्वी पे 80 किलो का। क्या हाल है लोंडे? क्यों परेशान है? निशान चतुर्वेदी, निशान चतुर्वेदी, ये है दुनिया का सबसे बड़ा इंसान, जो कि है 8 फीट 11 इंच का, मतलब पूरे 9 इंच का, तो देख सकते हो कितना बड़ा है, मैं तो इसके यहाँ आ रहा हूँ। और ये है दुनिया का सबसे छोटा इंसान, 17 इंच का। और ये है दुनिया का सबसे ज्यादा खाने वाला इंसान, और ये बचपन में ही बुढ़ा हो गया था, ये वो इंसान, ये यहाँ पे सो रहा है किलो के बेड पे। और ये देखो इसने अपने मुंह में ठूस रखी है बहुत सारी बॉल्स। और ये है दुनिया का सबसे मोटा इंसान, विनय सैमुअल। तो ये है गाइस टेढ़ा मेढ़ा रूम, और अब हम हो गए सीधे। ओ फोटो खींचता है बुढ़िया की। फोटो खींच रहा है सिबू तेरी। ओ माय गॉड व्हाट अ फोटोग्राफ, मार मैं साले टोपी निकाल के भाग जाऊंगा तेरी। टोपी में भी नट लगा रखे कि तो तेरी कोई टोपी ना उतार ले, इतना तो इनसिक्योर है। हट जा उसकी, अपनी बीवी की फोटो खींच रहा है वो। तो एक तो मेरी ले लेगा, ऐसे क्यों ले लेगा, मोटी
है मोटी, ओ ले मेरी मोटी, ले मेरी मोटी बुद्धि, मोटी बुद्धि। प्लीज इसकी फोटो खींच दे बुड्ढे। ऐसे मत बोलो दादू। दादू अंकल प्लीज फोटो खींच दो। साइकिल देख सिब्बू साइकिल। ओ भाई ऐसे पैडल घूम के चलती है, ये टायर जहाज का टायर होगा। और ये देखो गाड़ी, एडवेंचर्स इन टिम्बरलैंड। ये वो भाई योद्धा, योद्धा योद्धा वॉरियर योद्धा बोला भी जा रहा है तो वॉरियर। चलो बिलीव इट और नॉट योद्धा 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 योद्धा। अरे वो अयोध्या हो गया ना योद्धा योद्धा। ये गाड़ी है वुड कार्ड 1937 की जैगवार कार, ये जैगवार देख लो लकड़ी की। चलो अब यहाँ पे हम आ गए शार्क के एरिया में, अब यहाँ पे मरीन से रिलेटेड कुछ दिखेगा। शार्क शार्क सिब्बू शार्क। भाई साहब ये बंदा जिसको शार्क ने खाया था, ये उसकी असली फोटो, शार्क जो शार्क ने खा लिया था उसे। और क्या क्या यहाँ पे ऐसा ही, आज का व्लॉग मस्त है ना गाइस। अब ये देखो ये है फील एंड गैस, अब इसमें मैं हाथ डालता हूँ अंदर और बताना है क्या है। भाई नहीं समझ आया सच बताऊँ तो, ये तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या है। द अमेजिंग शार्क टीथ स्किन ये वो ये सारी उसके बारे में आ जाएगी। वाओ ये क्या है, द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट फेक। अच्छा ये मरमेड, मरमेड फेक होता है उसका वो दिया है। हाँ ऐसा ही कुछ है, मरमेड फेक होते हैं, मरमेड फेक होती है तो उसका ग्रेटेस्ट फेक रिवील करा है। ये क्या है, ये क्या है, शार्क हैव ह्यूज ऑयल्ड फिडलीटर दैट हेल्प देम फ्रॉम सिंकिंग, हाउ टर्न द सिलेंडर लिवर ऑयल एंड वेदर विच इज लाइटर। ऐसा कुछ होता है शार्क के पेट में, अच्छा जो उसको डूबने नहीं देता, पता नहीं क्या यार अजल की टेक्निक। मॉन्स्टर्स ऑफ द डीप, ओ इसमें दिखेगा वो रहा, दिखा गाइस दिखा, इनको नहीं दिखेगा अपनी आंखों से देखो हटो, दिखा गाइस रुक जाना दिख रहा है वो, देखो दिखा ना गाइस ये देखो, दिखा ना ये देखो, हटो मेरे को देखने दो है ना। भाई ऐसा लग रहा है वो जो बचपन में टीवी में शोज और कार्टून्स देखते थे ना उस दुनिया में आ गए हम, डिज्नी की दुनिया में। ये रिवॉल्विंग रूम, किसी चीज को टच नहीं कर सकते ना। हाँ टच मत करियो, भाई हिल रहा है पूरा कमरा, यहाँ आते ही स्टेबल हो गया। वाह अंदर का पूरा हिल रहा है रूम, यहाँ आते ही स्टेबल हो गया। बाहर आ गए हम, हाँ बाहर आ गए भाई, सही था ये भी है ना। अब नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। भाई अभी हम जा रहे हैं इसमें द वॉल्ट में, और द वॉल्ट हमारा है नेक्स्ट, और अंदर वीडियो अलाउड नहीं है तो इनने बोला कि बाहर ही बना लो जो बनाना है। तो चले नेक्स्ट शो, ये देखो हमारे साथ लाइव भूत। यू आर वेरी स्केरी। यस वेरी स्केरी हॉन्टेड एडवेंचर। तो भाई अगला हमारा ये है वैक्स वर्क, यहाँ पे मोम के पुतले होते हैं। सिब्बू तो ऑलरेडी अंदर जा चुके हैं, देखते हैं यहाँ पे किस किस चीज के पुतले हैं। सिब्बू टचिंग नहीं है बस, बाकी कुछ भी कर सकते हैं। ये भाई इंटरव्यू चल रहा है अमेरिका के प्रेसिडेंट का, ये क्या है डेमोक्रेट गधे की, मजाक उड़ा रखे क्या, सच में ऐसा होता है। नो टचिंग सिब्बू, टोक देगी फिर वो नोट ओके। ये है जो बाइडन और ये है डोनाल्ड ट्रंप ओके, वो मिस्टर बीन खड़ा वहां पे। चल अंदर और भी है, इतना गंदी शक्ल किसी की कैसे हो सकती है, इधर देखो रंग का गोरा और इतनी गंदी शक्ल। इंडियन सुंदर होते हैं भाई, इंडियन सुंदर होते हैं, ये लोग रंग के बेशक गोरे हैं बट इंडियंस आर बेस्ट, इंडियंस आर ब्यूटीफुल पीपल। अंदर और कौन कौन है, अंदर ये है भाई विल स्मिथ, ये है विल स्मिथ के साथ, ये है माइकल जैक्सन, ये है माइकल जैक्सन, क्या हाल है लोंडे, सर्जरी सर्जरी करवा रखे काला है असलियत में। हाँ। ऐसे ही बहुत सारे लोग अभी दिखाते हैं कौन कौन है। ये कौन है, एडी मर्फी। ओ
डिंपल पड़ते हैं इसके तो। लुकेड है ये, कोई वो है थाईलैंड बेस्ट सुपर मॉडल लुकेड। अच्छा इतनी गंदी सी, इतनी गंदी शक्ल की सुपर मॉडल। सुपर मॉडल वैसे गंदी शक्ल वाली होती है मोस्टली, मेकअप थोप के। ये है, ये कौन है, कौन है भाई तू, तेरा इंट्रोडक्शन ही नहीं लगा रखा। माइली साइरस। ये कौन है? माइली साइरस, हैना मोंटाना। अच्छा ये तो पसंद है मुझे पर अच्छा नहीं बना रखा, रखा। हाँ। जैसे इसकी शक्ल है ये वैसे सुंदर है पर अभी पता नहीं अच्छी वो नहीं बना रखी इसकी। हाँ चले गए। ये कौन है? ये भी सुंदर लग रही है, ड्रेस ज्यादा अच्छी लग रही है। एक और ये यही क्या है? अच्छा ये क्या है? ये भी अच्छी लग रही है। कौन है ये? स्माइल अच्छी है बंदे की। ये है चोयू फैट, द बेस्ट एक्शन एक्टर। अच्छा डेविड बैकम और उसकी बीवी, डेविड बैकम फुटबॉलर है बहुत फेमस। अच्छा ये तो सही लग रहा है, ये देखना कैसी लग रही है इसकी शक्ल। हाँ तो लड़के तो होते ही सुंदर है, क्यों लौंडे सही नहीं बोल रहा। ऐसा नहीं है बस ये लड़की अच्छी लग रही है, मेकअप ज्यादा कर लिया ना, देख मेकअप ज्यादा कर रखा है इसने। तो गाइस थाईलैंड में भाई मेरे को मेरी नई गर्लफ्रेंड मिल गई है, देखो क्या हाल है लौंडिया। वैक्स की है, वैक्स की, असली की तो मिलती नहीं तो वैक्स की ही गर्लफ्रेंड बना लेंगे। पर अच्छी लग रही है, सुंदर है क्या शक्ल, तो देखी नहीं, शक्ल तो देखी नहीं मैंने इसकी, ठीक ठाक है, सही लग रही है। ये कौन है सिंगर? ये सो गाइस बोल भाई कुछ बोलता क्यों नहीं? अपना गाना गा दो ना, जीटी रोड की रानी, मेरी ओ मेरी गाड़ी गाड़ी ओ सूट सूट चल है आजू नु आवे आंदी, जीटी रोड का राजा, जिज्जी फैन बना दी, जिज्जी फैन बना दी, मन्ने बोलो दी जाजी, छोरे की उम्र का सी गाड़ी जे चक्कर बाजी बाजी। ये कौन है? माइकल जैक्सन। माँ तो गोरा है यहाँ काला है, सर्जरी से पहले का। ये रियल वाला है, रियल में फिर भी सही लग रहा है, रियल में सही लग रहा है ये। ये कौन है? ये देखो भाई ये हैरी पॉटर, हैरी पॉटर, पॉटर कम। और ये कौन है? इसका क्या नाम था? इसका नाम भूल गया सिब्बू, यार हैरी पॉटर के साथ क्या नाम था गाइस, भूल गया मैं तो इसका नाम। अबे यार एमा वॉटसन जो इसका असली नाम है, इस लड़की का नाम एमा वॉटसन है, इस कैरेक्टर का नाम भूल गया मैं, लेकिन हैरी पॉटर वाले जो कंटिन्यूस दिस वे। ओके हाँ ये तो बाढ़ का है, और शक्ल भी मतलब ओके ओके बनाई है, ज्यादा खास नहीं बनाई। मैजिक मिरर नाग शक्ति, टोपी आ गई भाई, प्रेस हेयर, ये क्या है? कुछ भी, ये इधर क्या है? कुछ भी नहीं है, शीशा है। कहाँ गई सिब्बू? इधर गई यार, मुझे छोड़ के भाग, मुझे छोड़ के मत भाग सिब्बू। ये वही है जिसने इंडिया का कोई नूरीरा चुरा रखा है, यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ, ये प्रिंस चार्ल्स और उसकी बीवी, और ये इंग्लैंड का राजा, इसका यूनाइटेड किंगडम का। और भी बहुत कुछ है भाई, मदर टेरेसा है, माओ जी डोंग है, ये कौन है बुढ़ा, तेरा नाम क्या भाई, तेरा नाम लिखा कहीं पे पता नहीं भाई कौन है ये, और ये है, ये भी नहीं पता कौन है, इसके बाल देख कैसे हैं चपटे चपटे बिल्कुल। और ये है भाई दलाई लामा, ये नहीं पता कौन है, ये नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला। और यहाँ पे मेरी फोटो आएगी। इंडिया से एक और है भाई महात्मा गांधी विद हिज चरखा, और एक मदर टेरेसा है इंडिया से, मदर टेरेसा इतनी छोटी थी। आजा तो चलिए दोस्तों अभी मैं आपको मिलवाता हूँ दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह हिटलर से। हाँ जी हिटलर जी, क्या सोचा आपने?
नाजी का सिंबल जिसको लोग स्वास्तिक भी बोलते हैं, बट दिस इज नॉट स्वास्तिक सिंबल, दिस इज नाजी सिंबल एंड और स्वास्तिक सिंबल इज डिफरेंट। तो चलो अभी आते हैं। भूत, इतने बड़े बड़े देख रही है सिर्फ भूत। और भी भूत है सिप्पू, यहाँ वैक्स के आ जाओ। ओ मोरी मैया, ये जोकर तो बहुत फेमस है, देखा ही होगा सबने। इट 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 मूवी का है ना? इट का नहीं, बैटमैन वाला। तो भाई ये देखो मोटू, ये जोकर हो गया, ये भी कोई सुपर हीरो, ये बैटगर्ल। सही लग रही है ये बैटगर्ल और ये बैटमैन। जेम्स बॉन्ड मिशन इम्पॉसिबल। अबे जेम्स बॉन्ड तो गंजा है पीछे से, ये तेरे को अच्छे से नहीं बनाया गया। तो गाइज हमारे सारे शोज ऑलमोस्ट हो चुके हैं, बस अब एक लास्ट शो बचा है, स्क्रीम इन द डार्क। तो ये है स्क्रीम इन द डार्क, लास्ट शो हमारा बचा है। और चलो अभी अपना लास्ट शो भी लेते हैं, हर तरफ यहाँ भूत ही भूत है। ये हमारा लास्ट शो स्क्रीम इन द डार्क, और देखो भाई यहाँ पे एंट्री भी भूत देता है। हाय हाउ आर यू? यस, व्हाट्स इनसाइड? इनसाइड वी हैव द शूट द ग्रीन सर्किट एंड ओके द क्राउड जंप स्केयर यू। हां यस, विल लिटिल बिट स्केरी। एंड व्हाट अबाउट गर्ल्स? व्हाट अबाउट गर्ल्स? शी विल बिकम स्केर्ड लिटिल बिट, नॉट टू मच, लिटिल बिट। हां ओके चलो, ये दे पता नहीं क्या बना रहे हैं, देखो भाई दो भूत पता नहीं क्या कर रहे हैं। ओ व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज के के। यस के गोना मेक अस स्केयर्ड। हां थैंक यू। ओके नो फोटो वीडियो इनसाइड? यस ओके, आई विल कीप माय फोन इन माय पॉकेट। ओके सिबू रेडी? ओके रेडी। ओ भाई इसमें किसी की आत्मा, आत्मा तड़प रही, आत्मा तड़प रही इसमें किसी की। भागो भागो सिब्बू यहाँ से भागो, भागो। एना बेला भाई, भूतिया गुड़िया। ओ भाई भूतिया गुड़िया, ये वाली जो है इसका नाम है लालका ओकीकू हॉरर डॉल। यहाँ से भी कुछ हो रहा है क्या? ये क्या अंदर अंदर भूत है देखो। तो गाइस इसी के साथ हम रिप्लेस बिलीव इट और नॉट से वापस आ गए हैं, वर्ल्ड का बेस्ट हॉरर शो। 2 घंटे लगे हमें पूरे एक्सप्लोर करने में, एंजॉय करने में, 2 घंटे से ज़्यादा, पर मज़ा आया। बहुत अलग अलग चीज़ें, बहुत यूनिक यूनिक एक्सपीरियंसेस हैं, मज़ा आएगा। आपको कभी थाईलैंड आओ, पटाया आओ तो यहाँ ज़रूर आना। बिल्कुल ये जायका रेस्टोरेंट के सामने है, जो अपने सैम बायर की दुकान है ना, उनके बिल्कुल सामने है ये। तो गाइस अभी मैं ले रहा हूँ थाईलैंड के फेमस मैंगो स्टिकी राइस। ये देखो मैंगो स्टिकी राइस 80 बाट के, मतलब 200 रुपए के देंगे ऐसा कुछ, चावल और आम। तो गाइस अभी मैं लाया हूँ खाना। अच्छा सिब्बू एक नई चीज लाया हूँ, ये देख क्या? ये बिरयानी तो तेरे लिए है ही, और ये लाया हूँ मैं स्टिकी मैंगो राइस, मैंगो और राइस, वो जो बता रहा था ना सैम। अच्छा। थोड़ा ये टेस्ट करते हैं और अच्छा लगेगा। ये सैम बता रहा था कि बहुत अच्छा है इसका टेस्ट। चलो गाइस अभी इस व्लॉग को ही एंड करता हूँ, और आई होप कि आज का व्लॉग तो आपको स्पेशली बहुत पसंद आया होगा, कि वर्ल्ड का सबसे हॉरर हॉन्टेड स्पेस और ये शो मैंने आपको दिखाया। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना है, कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए भाई प्यार बनाए रखो और सारे खुश रहो, और बोलो जय श्री राम।